बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोलॉजी पार्ट वन चैप्टर नंबर 4 द सेल के बारे में हम उसका स्टार्ट लेंगे। सो व्हाट इज़ अ सेल, कि सेल होता क्या है, आप पहले भी इसके बारे में जानते होंगे। तो जिस तरह पहले चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उनकी जो बॉडीज़ हैं वो मुख्तलिफ सिस्टम से बनी हैं। सिस्टम फर्दर ऑर्गन्स से मिल के बनते हैं, ऑर्गन्स आगे मुख्तलिफ टिश्यू से मिलके बनते हैं, ठीक है, और टिश्यूज़ फिर सेल से मिलके बनते हैं। तो सेल जो है वो बेसिक पार्ट है जो उसको स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी मेन रोल प्ले करता है। सही, सेल को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, यानी सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, या यूनिट ऑफ लाइफ, सिंपल अगर हम सीखें। सो सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक। तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, मसलन एटम्स जुड़ते हैं, मालिक्यूल्स बनाते हैं, मालिक्यूल्स से वो ऑर्गेनेल्स बनेंगे, ऑर्गेनेल्स के बाद जो है वो सेल की स्टेज आती है। सही, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो मेन वर्किंग पार्ट है दैट इज सेल्स। सेल्स आगे टिश्यूज़ बनाएंगे, टिश्यूज़ ऑर्गन सिस्टम, सिस्टम से आगे ऑर्गेनिज्म पूरा इंडिविजुअल डेवलप होता है। ठीक, सो जो ये सेल है जिसके बारे में आज हम इतना कुछ जानते हैं, ठीक है, तो पहले हमारे पास ना माइक्रोस्कोप होती थी, ना हमारे पास टूल्स थे जिसके ज़रिए हम जान सकते कि सेल्स होते क्या हैं। सो इसमें बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट का काम है, ठीक है, जिनमें से हम जो मेन साइंटिस्ट हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि उन साइंटिस्ट ने काम किया और सेल थ्योरी बनाने में बहुत मदद की। सही, सो सेल्स के बारे में सबसे पहले जो एविडेंस मिला, ठीक, वो जो क्लियर एविडेंस था वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने दिया। उसने अपने पब्लिकेशन एक माइक्रोफेजिया के नाम से, ये 1665 की बात है, 1665, सो यानी आज से तकरीबन 3 सदी पहले ये कंसेप्ट आया था कि देर आर सेल्स। यानी उसने अपनी ही एक बनाए हुए माइक्रोस्कोप में एक स्लाइस देखी थी, स्लाइस ऑफ कॉर्क, यानी डेड वुड है उसकी एक स्लाइस, यानी लकड़ी काटी और उसे उसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर चेक किया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप उस टाइम जो होती थी वो सिंपल सिंगल लेंस के साथ होती थी, यानी डबल लेंस होते थे लेकिन सिंगल लाइन के अंदर अरेंज होते थे। जिस तरह आजकल माइक्रोस्कोप है उस तरह का कंसेप्ट नहीं था। सो इसने सेल्फ मेड थी, और ये माइक्रोस्कोप भी क्या थे, सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसने स्लाइस ऑफ कार को देखा, तो उसके अंदर उससे खाने नज़र आई हूँ, हनीकॉम की तरह, लाइक दिस। सही, उसने इस खाली खानों को कहा जी कि ये जो से हैं वो सेल्स हैं। इस तरह ये मज़ीद फर्दर अरेंज हुए थे इस तरह, सो दीज आर सेल्स। तो ये उसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर विजुलाइज किया। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है लॉरेंस ओकेन, ठीक है, इन 1805। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा था वो कब है जी, 1805, ठीक। अच्छा, ये साइंटिस्ट कौन से थे बोला, रॉबर्ट हुक, सही, देन लॉरेंस ओकेन, ठीक है। लॉरेंस ओकेन 1805 के अंदर उसने यानी एक अपना कंसेप्ट दिया था, उसने कहा था जी आई बिलीव दैट, यानी इस चीज़ पर यकीन करते कि ऑल लिविंग थिंग्स आर ओरिजिनेट और कंसिस्ट ऑफ वेसिकल्स आर सेल्स, यानी ऑल लिविंग थिंग्स थिंग्स आर कंसिस्ट ऑफ आर मेड अप ऑफ, या कह लें यानी बनी होती हैं वो उनसे, किससे बोला, और मेड अप ऑफ सेल्स। सही, 1805 के अंदर लॉरेंस ओकेन साइंटिस्ट था जिसने कंसेप्ट किया। उसके बाद लॉमार्क आता है जो कि बहुत वेल नोन साइंटिस्ट था, जिसने एवोल्यूशन में भी थ्योरी रिप्रेजेंट की थी। सही, इसकी एवोल्यूशन की थ्योरी बहुत मशहूर हुई, जिसे लॉमार्किज्म भी कहते हैं। सो दिस इज़ अ जीन बैप्टिस्ट दी लॉमार्क, सही, तो सिंपली हम लॉमार्क लिखेंगे। सो लॉमार्क वाज अ साइंटिस्ट, ठीक है। इसने 1809 के अंदर ही, यानी जब उसने अपने लॉमार्किज्म शो किया था, थ्योरी पेश की, उसी टाइम उसने कहा था कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ
इफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज, यानी अगर ये सेलुलर टिश्यू से नहीं बना हुआ तो वो कभी भी जिंदा नहीं हो सकता। यानी लाइफ को उसने किसके साथ लिंक कर दिया, सेलुलर टिश्यूज के साथ। तो उसने कहा जी कि नहीं, हर जिंदा चीज़ के पास क्या होना चाहिए, सेलुलर टिश्यूज। सो हर जिंदा चीज़ के पास टिश्यूज होते हैं। सो ये ला मार्क ने कहा था इन 1809 के अंदर, सही। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है, दैट इज रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने जो सा वो न्यूक्लियस यानी प्रेजेंट किया था, यानी नेक्स्ट साइंटिस्ट इज रॉबर्ट ब्राउन। सो रॉबर्ट ब्राउन ने, दिस इज रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर न्यूक्लियस को रिपोर्ट किया था। यानी ही रिपोर्टेड न्यूक्लियस। उसने कहा जी कि जो खाली खाने जिनकी बात की गई है पिछली थ्योरीज में, या पिछले जिस तरह रॉबर्ट हुक ने बताया था कि जी खाली खाने होते हैं, सो वो सिर्फ खाली नहीं है बल्कि उसके अंदर एक स्मॉल स्पार्ट सारे, यानी इस तरह हनी कम लाइक स्ट्रक्चर था। उसने कहा जी हनी कम लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एक छोटा सा बीच में स्पार्ट होता है, उसने इसको न्यूक्लियस का नाम दे दिया, सही। सो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सेल्स के पार्ट डिस्कवर हो रहे थे कि इतने में दो साइंटिस्ट मजीद, ठीक है, इसमें सोदर शवान था एंड मैथ्यस शील्डन स्लीडन, ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना अपना काम किया। मसलन जो शवान था उसने 1839 के अंदर काम किया, शील्डन ने जो सा था वो 1838 में काम किया, ठीक है। एक बोटानिस्ट था, एक जोलॉजिस्ट था, इन दोनों के काम में इन्होंने कहा जी एक थ्योरी इन्होंने पेश की, ठीक है, जिसे उन्होंने सेल थ्योरी का नाम दिया। इस टाइम तक और भी काफ़ी बातें सेल्स के बारे में पता चल चुकी थी। मसलन उन्होंने कहा कि सेल का जो सा हिस्सा है वो तीन चीज़ों से बना हुआ है, ठीक है। उन्होंने कहा जी कि जो सेल है इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, सेंटर के अंदर इसका न्यूक्लियस होगा। फिर अगर सेल न्यूक्लियस के बाद उसके इर्द गिर्द जो मटेरियल है यानी सराउंडिंग स्पेस ऑफ न्यूक्लियस, उसने उन्हें साइटोप्लाज्म का नाम दे दिया, ठीक है, दैट इज नाउन एज साइटोप्लाज्म। सो उन्होंने कहा सेल इज मेड ऑफ न्यूक्लियस सराउंडिंग स्पेस ऑफ न्यूक्लियस, जिसे हम साइटोप्लाज्म का, एंड थर्ड वन इज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जिसने साइटोप्लाज्म को इनक्लोज किया हुआ था, ठीक है, विच इनक्लोज द साइटोप्लाज्म। फोर्थ वन भी उन्होंने कहा, ठीक है, एक फोर्थ वन स्ट्रक्चर भी है, दैट इज सेल वॉल, बट इट इज़ लिमिटेड फॉर प्लांट्स। यानी उस टाइम तक पता चल चुका था कि जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। सो जो प्लांट्स के सेल्स थे उनके अंदर सेल वॉल भी मौजूद थी। सो यानी ये सेल थ्योरी का जो यानी सबसे पहले जो कंसेप्ट आया था वो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर, यानी श्रीडन एंड शवान ने सेल थ्योरी का प्लान किया था। उन्होंने कहा जी कि जो भी और सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, उसके साइटोप्लाज्म होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, और अगर वो प्लांट है तो उसके इर्द गिर्द सेल वॉल भी होगी। और फिर लास्ट में उन्होंने कमेंट ये दिया कि जी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी जानदार हैं ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सो वेरी सिंपल, यानी उन्होंने कहा जी कि अब सब जानदार सेल से बनेगा, उन सेल्स में होगा क्या क्या, न्यूक्लियस होगा, सराउंडिंग स्पेस जिसे उन्होंने न्यूक्लियस का, सॉरी साइटोप्लाज्म का, और सेल मेम्ब्रेन जिसने साइटोप्लाज्म को इनक्लोज किया हुआ था, ठीक है। इसके अलावा सेल वाल उन्होंने कहा जी कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर एनिमल्स बट इट इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स, यानी प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद रहेगा, ठीक। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है जो नीचे बना भी आपको नज़र आ रहा होगा इसकी शक्ल से, जर्मन साइंटिस्ट था जो आज, या जर्मन फिजिशियस था यानी मेडिकल का जर्मन, यानी इसका नाम है रोडोल्फ विरकॉ, रोडोल्फ विरकॉ। सो फिजियोलॉजी का यानी मास्टर था, तो इन्हें पता था कि
कि जो इसने इनका जो थ्योरी थी, उन्होंने कहा कि न्यू सेल जोन से हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, जिस तरह किसी को वाउंड हो जाए यानी जख्म हो जाए, जख्म की जगह पे नई जिल्द आ जाती है, तो वो कहाँ से रिकवरी हो रही है, पहले से मौजूद जो सेल्स हैं वो ही डिवाइड होते हैं और नए सेल्स बनते हैं, इस तरह वो जख्म ऐसे का फील होता है सर्जरी के बाद जो है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट उन्होंने कहा जी कि इन एक वर्ड उन्होंने यूज़ किया था जर्मन के अंदर कि ओमनी सेलुलाए, सेलुला सही, ओमनी सेलुलाए सेलुला, के ईच सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी हर सेल जो है वो पहले से मौजूद सेल से आएगा, यानी सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो पहले से मौजूद सेल्स होंगे वो ही डिवाइड होंगे और नया सेल हमारे पास आ जाएगा। ये इसने 1855 के अंदर एक कंसेप्ट दिया था, सही। और जो शील्डन शील्डन और श्वान का जो कंसेप्ट था वो जो था 1838, 1839 एंड 1838 के अंदर आया। सो ये आज तक जो सेल थ्योरी थी वो अपने फाइनल स्टेजेस पे आ रही थी, और अभी भी इस पे काम होता है, ऐसा नहीं है कि मुकम्मल हो गया। सो 1855 के अंदर ये कंसेप्ट आया था, ठीक। उसके बाद इन्हीं दिनों में एक बहुत बड़ी डिस्कशन चल रही थी बायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस एंड ए बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स कम फ्रॉम लिविंग थिंग्स, ए बायोजेनेसिस लिविंग थिंग्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बायोजेनेसिस में कहा जाता है कि जिंदा चीज़ जिंदा चीज़ों से ही बन के मिल के बन सकती है, जबकि ए बायोजेनेसिस के अंदर जो सा कंसेप्ट था क्या कहा गया कि जी कि जो गैर जानदार अशिया हैं ये मिल के भी जानदार को वजूद दे सकती हैं, सही। लेकिन इसके बारे में काफ़ी बहस होती थी, और इसको हल करने के लिए लेविस पास्चर साइंटिस्ट, वेरी ग्रेट साइंटिस्ट उस टाइम के, बहुत अजीम ये साइंटिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली तौर पर ये प्रूव किया कि नो लिविंग थिंग्स कैन ओनली बी प्रोड्यूस फ्रॉम लिविंग थिंग्स, यानी उन्होंने बायोजेनेसिस को के ऊपर स्टैंप लगा दी, यानी उन्होंने कहा जाएगा जी लिविंग थिंग्स कैन ओनली बी प्रोड्यूस बाय लिविंग थिंग्स, और उन्होंने फिजिकल एविडेंस दिया प्रॉपर तरीके से, जबकि उनके मद मुकाबल टीम इस एविडेंस नहीं दे सकी, सही। सो ये किस टाइम की बात है, इन 1862, यानी 1862 के अंदर लुईस पास्चर ने बायोजेनेसिस को प्रूव किया, प्रूव्ड बायोजेनेसिस, यानी ये जो जर्मन साइंटिस्ट का कंसेप्ट था कि ओमनी सेलुला सेलुला के लिविंग थिंग्स कैन ओनली बी कम फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल, इसको प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए लुईस पास्चर ने आगे प्रूव किया। सो यानी ये इस टाइम वेरीफाई हो चुका था। फिर उसके बाद अगस्त वीजमैन आया, एक साइंटिस्ट, ये आपको इसमें भी नज़र डायग्राम में भी नज़र आएगा, अगस्त अगस्त वीजमैन, ये 1880 के अंदर ये प्रैक्टिकल इन्होंने अपना थ्योरी दी थी, कह लें कि यानी ये एक किस्म के एवोल्यूशनरिस्ट थे, ठीक है, यानी एवोल्यूशनरी स्टडीज़ एवोल्यूशन के माहिर थे ये, ठीक है। तो इनका ये कंसेप्ट था कि जो भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, ठीक है, यानी इवन एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, बैक्टीरियाज हों, जितने भी लिविंग फाइव किंगडम्स हैं वो ऑलमोस्ट सेल से बने हैं, और सेल्स के अंदर रिजेम्बलेंस हैं, यानी वो सेल्स आपस में मिलते जुलते हैं, लाइक हमारे सेल्स में भी। अब मसलन कहते हैं, उसने कहा जी कि एंसेस्टरली, यानी अगर हम इसे डिफाइन करें, किसने कहा था, तो उन्होंने कहा था एंसेस्ट्रली ऑल सेल्स आर लाइक, ठीक है, कि हमारे जो यानी पुराने जो एवोल्यूशन का तरीकाकार होता है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो सी हैं वो अडाप्टेशन की वजह से, यानी जिस तरह लामार्क ने और डार्विन ने थ्योरी दी कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपनी फाइनल स्टेजेस पे आते हैं, तो शुरू में क्या था कि ये सेल्स जो से थे वो एक जैसे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर चेंजेस आते गई, मॉडिफिकेशंस आते गई अडाप्टेशंस के ज़रिए, सही। सो मसलन एग्जांपल्स देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम में और उनमें मिलती हैं, लाइक एटीपी, आप हर सेल्स के अंदर एटीपी फाइंड कर सकते हैं, हर सेल के अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियस नहीं तो डीएनए होगा, सही। डीएनए के अलावा
कोई फोटोसेंथेसिस और रेस्पिरेशन करेगा, मतलब हर सेल रेस्पिरेशन करेगा लिविंग के लिए। सो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कॉमन है हर के अंदर, सही, हर सेल्स के अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स कॉमन है। और इसको प्रूव करने के लिए अगस्त, यानी अगस्त फीस में कई कंसेप्ट है कि ये कॉमन एंसेस्ट्रल ओरिजिन के हिसाब से ऐसे। उसके बाद फिर हमारे पास जो सेल थ्योरी है वो एक फाइनल स्टेज पे आती है, यानी सेल थ्योरी, अगर हम कहें व्हाट इज सेल थ्योरी, सो सेल थ्योरी के हमारे पास तीन पॉइंट्स बनेंगे कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स, ऑल लिविंग यानी जितनी भी जानदार चीज़ें हैं आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी वो किससे मिलके बने होंगी, सेल्स से। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो रेडोल्फ विरको का साइंटिस्ट था, यानी ऑल लिविंग सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो क्या प्रोसीजर होता है इस तरह आने का, पता है, सिंपल, बाय सेल डिवीजन, यानी बीच में क्या होगी, सेल डिवीजन होगी, उसमें माइटोसिस भी हो सकती है, मियोसिस भी, नहीं, सेल डिवीजन के जरिए नए सेल्स बनते हैं और ये आज भी माने जाते हैं, ठीक है, ये बात मानी जाती है। उसके बाद सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शन यूनिट फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी जो सेल है वो बेसिक अनाटॉमिकल यूनिट भी है, यानी अनाटॉमी भी, यानी स्ट्रक्चर भी इसका सारा इस पर डिपेंड करता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन, यानी फिजियोलॉजिकल सारा यूनिट भी सेल है, यानी जो सारी की सारी फिजियोलॉजी है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सेल के ऊपर। सो यानी अगर सेल नहीं है इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक, सो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंपल लाइफ कह देते हैं, सही। सो यहाँ तक हमारी जो सेल थ्योरी थी वो कंप्लीट हो जाती है, यानी हमने इसमें क्या क्या स्टडी किया, हमने सारे सीरीज में साइंटिस्ट के बारे में स्टडी किया, सबसे पहले हमने डिफाइन किया सेल, व्हाट इज सेल, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, यानी उसमें हमने बात की एटम्स मिलकर मालिक्यूल्स बनाएंगे, मालिक्यूल्स फर्दर मैक्रो मालिक्यूल्स बनाते हैं, वो मिलके ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज मिलके सेल्स, सेल्स से आगे टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, सो इस तरह हमारे पास ये हायरार्की बनती है, सही। तो उसमें सेल्स जो से वो बुनियादी तौर पे काम आते हैं, सर, सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स, ठीक। अब उसके अगर हम यानी सेल थ्योरी के ऊपर अगर हम उसकी हिस्ट्री निकालें कि सेल की जो मॉडर्न शक्ल है वो हमारे पास किस तरह आई, तो उसके नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने काम किया, जिसमें से मेन मेन सबसे पहले हमने रॉबर्ट हुक डिस्कस किया, जिसने 1665 के अंदर सेल्स को रिपोर्ट किया, सेल्स को डिस्कवर किया, किस तरह कि सेल्फ मेड उनके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर उन्होंने स्लाइस ऑफ कार को स्टडी किया, और उन्हें उस टाइम कहा गया जी जितनी भी यानी जो प्लांट बॉडी है ये छोटे छोटे खानों से मिलके बनी है, उस खानों का उन्होंने सेल का नाम दे दिया। फिर लॉरेंस ओकेन साइंटिस्ट आया 1805 के अंदर, उसने कहा जी ऑल लिविंग थिंग्स आर कंसिस्ट और मेड अप ऑफ सेल्स, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्होंने ये अपना एक आइडिया दिया था, प्रूफ नहीं था इनके पास। फिर उसके बाद लामार्क साइंटिस्ट था, यानी जीन दी बैप्टिस्ट दी लामार्क साइंटिस्ट था, उसने जिसने लामार्किज्म भी शो की थी, उसने कहा जी कि जो लाइफ है इट वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट सेलुलर टिश्यूज, लाइफ के लिए सेलुलर टिश्यूज़ का होना ज़रूरी है, यानी सेल्स के बगैर लाइफ मुमकिन नहीं है। फिर रॉबर्ट ब्राउन 1831 के अंदर उसने न्यूक्लियस को दरियाफ्त कर लिया, ठीक है, ही इन्वेंटेड न्यूक्लियस। उन्होंने कहा जी कि जो खाने हैं, खाने असल में खाली नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक छोटे छोटे स्पार्ट्स हैं, जो से अपने एक स्लाइड में नज़र आया, उसने कहा जी कि इट इज़ न्यूक्लियस, जो सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है, सही। और फिर उसने कहा जी अच्छा, उसके बाद थ्योडर श्वान और मैथ्यूस शील्डन आए, दो साइंटिस्ट, एक बोटनिस्ट था एक जोलॉजिस्ट था, ठीक है। इसमें जो श्वान था इट वाज जोलॉजिस्ट, और जो श्लीडन था इट वाज बोटनिस्ट, ठीक है। श्वान ने 1839 के अंदर अपना काम शो किया, जबकि श्लीडन ने 1838 के अंदर अपना वर्क शो किया, और उन्होंने कहा जी कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी ऑल द प्लांट्स एंड ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। फिर उन्होंने कहा जी सेल्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होंगे, न्यूक्लियस होगा, उसके सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म होगा और सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट के केस के उन्होंने कहा जी कि एडिशनल एक सरफेस स्ट्रक्चर जिसे उन्होंने सेल वॉल का नाम दिया, सही। सो यहाँ तक ये सेल थ्योरी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, असल जो शक्ल है सेल थ्योरी की यहाँ से स्टार्ट हुई। उसके बाद जर्मन साइंटिस्ट था रॉबर्ट विरको, सही, फिजिशियन था, बल्कि 1855 को उन्होंने कहा जी कि ओमनी सेलुला सेलुला के सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मीन
ये माहिर फिजिशियन थे, नहीं उन्होंने कहा जी कि जो भी वाउंड हीलिंग होती है ये सेल डिवीन के जरिए होती है, यानी पुराने सेल्स होते हैं वही डिवाइड होकर नए सेल्स बनाते हैं। फिर लुईस पास्टर आया जिसने इस कंसेप्ट को प्रूव किया कि वाकई इट इज़ अ बायोजेनेटिकल प्रोसेस कि नए सेल्स किस तरह आते हैं कि पुराने सेल्स डिवाइड होकर नए सेल्स बनाते हैं। फिर अगस्त वीज मैन आया जो कि एवोल्यूशन एक्सपर्ट था, उसने 1888 के अंदर कहा जी कि जितने भी सेल्स हैं वो एंसेस्टरली यानी एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से एक जैसे हैं, ठीक है, यानी उनके अंदर कुछ बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपस में मैच करते हैं, वो इररिस्पेक्टिव के वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं या कौन से किंगडम से ताल्लुक़ रखते हैं, बट दे हैव सम सिमिलैरिटीज़ लाइक एटीपीज़ हैं, डीएनए मौजूद होगा, रेस्पायरेशन करेंगे, इसके अलावा आरएनए मौजूद होगा, राइबोसोम्स होंगे उनके पास, प्रोटीन सेंसिस करेंगे, ठीक है, सो ऑन, देर आर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विच आर सिमिलर अमंग द सेल्स। सो इस तरह हमारे पास कह लें कि जी सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि मसलन अब इसके तीन मेन पॉइंट्स हैं जो सेल थ्योरी को बनाते हैं। सॉरी, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सबसे पहला पॉइंट, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल से बनेंगे। फिर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो कि रॉडोल्फ विरको का था स्टेटमेंट के ओमनी सेलुला सेलुला के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो पहले से मौजूद ऑर्गेनिज्म से यानी डिवीजन के बाद बनेंगे। और सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, यानी इसकी सारी अनाटमी और उसकी फिजियोलॉजी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हैं वो सेल्स के ऊपर डिपेंड करेगी। सो सेल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द बायोलॉजी, यानी सेल की स्टडीज सबसे अहम स्टडी है, और ये हम आगे फर्दर इसी चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे कि सेल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। और यहाँ तक हमारी सेल थ्योरी कंप्लीट होती है, सो बकाया पार्ट हम नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट लेसन के अंदर पढ़ेंगे।